बात उस सर्वे की जो हमने मैच से पहले किया था, टीवी 9 भारतवर्ष ने महेंद्र सिंह धोनी के बैटिंग ऑर्डर को लेकर एक फैन से सवाल पूछे थे। हमने दर्शकों से पूछा था कि धोनी को आज किस नंबर पर बल्लेबाजी करना चाहिए, और जवाब ये थे, नंबर 4 पर करना चाहिए क्या बल्लेबाजी, 64% कहते हैं हां, नंबर 5 पर 18%, नंबर 6 पर 3%, और नंबर 7 पर बैटिंग करना चाहिए ऐसा कहने वाले 15% है। नंबर 6 पर तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, 3% लोग हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि नंबर 4 64% अपने आप को प्रमोट करना चाहिए। ज्यादातर फैंस धोनी को ऊपर बल्लेबाजी करते देखना चाहते हैं। सर्वे में 64% लोगों ने कहा धोनी को चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करनी चाहिए, 18% लोगों ने कहा धोनी नंबर 5 पर बैटिंग करने आए, 3% लोगों ने कहा धोनी नंबर 6 पर बल्लेबाजी करें, और 15% लोगों ने कहा कि धोनी का लकी नंबर तो 7 का है, उनको वहीं बल्लेबाजी करना चाहिए। 7वां मैच, माही का जर्सी नंबर 7, उनकी पैदाइश की तारीख 7, क्या बैटिंग ऑर्डर में भी 7वां, ये ठीक है क्या सुषमा? देखिए, महेंद्र सिंह धोनी का बैटिंग ऑर्डर मुझे लगता है नेचुरली ऊपर हो जाएगा अगर सैम करन और रविंद्र जडेजा को जिस तरीके को अभी शुरुआती दौर में चांसेस दे रहे हैं, नेचुरली वो दो ऑर्डर ऊपर आ जाएंगे। बट अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि धोनी नंबर 4 खेलेंगे तो मुझे नहीं लगता है, बिकॉज एक फिनिशर का रोल वो हमेशा प्ले करते हुए आ रहे हैं, तो ठीक है, बिकॉज अभी अम्बती राइडू नहीं है जो फॉर्म में थे, तो कहीं ना कहीं वो मिडल ऑर्डर को थोड़ा सा अभी टाइम दे रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट करने का टाइम है। लेकिन टाइम देते देते कहीं नहीं, बिल्कुल धोनी की कैप्टनशिप नहीं, पुणेमा देखो धोनी की हमें समझना होगा धोनी किस तरीके के कप्तान रहे हैं। धोनी अभी उनके पास पूरा टाइम है, बिकॉज टूर्नामेंट ओपन है, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं, आपने कितने गेम्स बैक टू बैक जीतने, तो ये अपनी टीम को एक बिल्ड करने के लिए एक बड़ी कॉम्बिनेशन ट्राई करने का मैं जरूर दे देती हूँ। धोनी दर्ज कर सकते हैं बड़ी उपलब्धि, धोनी 300 छक्के से सिर्फ 2 छक्के दूर है, और आज अगर 2 छक्के लगा देते हैं धोनी तो 300 छक्के का रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज हो जाएगा, महज 2 छक्के की ये दूरी है।